क्लास 8 आज आपका पेपर था संस्कृत का, जिसका सॉल्यूशन आप लेके आए हो। क्लास 8 एमपी बोर्ड बोर्ड परीक्षा क्लास 8 का पेपर। पहले 5 तो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। लोकहितम मम करणीयम, पार्ट 1 का नाम ही है बच्चों ये, लोकहितम मम और करणीयम। वाराहमिहिर अस्ति, वाराहमिहिर सर क्या थे? तो वो कालज्ञ थे बच्चों, कालज्ञ। गणतंत्र दिवस भवती कब मनाया जाता है? जनवरी मासे। हम मनाते हैं ना बच्चों 26 जनवरी, जनवरी के महीने में। चंद्रशेखर से जन्म कस्मिन खिताब्दे अभवत? तो 1906 खिताब्दे अभवत। लिखामह इत्यस्मिन पदे पुरुष अस्ति, इसमें कौन सा पुरुष है? तो इसमें उत्तम पुरुष है बच्चों, उत्तम पुरुष है। चलिए अब आपके 6 से लेकर 10 तक के खाली स्थान भर लेते हैं। ओरछा नगरम परितः सघनम वनम अस्ति, क्या होते हैं? वनम होते हैं। युधिष्ठरस्य खलिस्तान संतुष्ट यक्ष अभवत, युधिष्ठर के उत्तर से वो संतुष्ट हुआ, तो युधिष्ठरस्य उत्तरेण संतुष्ट यक्ष अभवत। नाटका नाम परंपरा, नाटक की जो परंपरा है वो कैसी है? अति प्राचीन या अति प्राचीना अस्ति, ये प्राचीन ना लिखा है बच्चों, प्राचीन अस्ति। अनूपपुर मंडले अमरकंटकम नाम पर्वतो अस्ति, कौन सा पर्वत है वहां पर, कौन सा पहाड़ है? अमरकंटक। फलानी पदे, फलानी जो है इसमें कौन सा पद है? तो बहुवचन है, वचनम तो यहाँ लिखा ही है बच्चों, तो यहाँ लिखना से बहु बहुवचनम अस्ति। चलिए क्वेश्चन 11 से देखते हैं। कस्याः निकटे कपित ग्रामः अस्ति, तो उज्जैनिया निकटे, कहाँ पर? उज्जैन के पास में, यानी उज्जैनिया निकटे। वसंत पंचमी कस्य आगमनम सूचयति, वसंत पंचमी किसका आगमन बताती है? तो वसंत पंचमी हमको वसंत ऋतु का बताती है, ऋतुराज वसंतस्य, ऋतुराज वसंतस्य। भूमेह गुरुत्रा का, तो इसका आंसर है माता। चित्रकूटम कस्मिन मंडले अस्ति, तो सतना मंडले अस्ति, वहां पर चित्रकूट है। केशाम आज्ञा अविचारणीय, गुरुणाम आज्ञा, किसकी आज्ञा? गुरु की आज्ञा। दशानन इति पदे कह समास है, दशानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है बच्चों, कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। बच्चों अगला प्रश्न है आपका 17वां। मित्रस्य कार्य कार्यम कह साधयति, बच्चों का छोटा सा उत्तर है, इसके उत्तर में आपको सिर्फ कह की जगह मित्र लिखना है और कुछ भी नहीं करना। मैं आपको दिखा भी दूं, मित्रम आएगा, बाकी पूरा आंसर सेम रहेगा। एक सॉल्यूशन है मेरे पास, मैं दिखा दूं आपको, ये देखिए, मित्रस्य कार्य कह साधयति, जिसका आंसर सिर्फ इतना है कि मित्रस्य कार्यम मित्रम साधयति, मित्र का कार्य कौन सिद्ध करता है? एक मित्र सिद्ध करता है। अगला है कीदृशः युवगणाः भाविरणे सहायकाः भविष्यन्ति, इसका उत्तर देखिए बच्चों। तो आंसर है बच्चों राष्ट्रिक भक्ताः युवगणाः भाविरणे सहायाम भविष्यन्ति, ठीक है, राष्ट्रभक्त युवकों के समूह भविष्य में होने वाले युद्ध में सहायक होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, ओमकारेश्वर नगरे किम नाम ज्योतिर्लिंगम अस्ति, तो यहाँ पर सिर्फ आपको किम की जगह लिखना है ममलेश्वर, क्या लिखेंगे किम की जगह? बाकी पूरा ऐसे ओमकारेश्वर नगरे किम की जगह आप क्या लिखेंगे? ममलेश्वर नाम ज्योतिर्लिंगम अस्ति, सिर्फ किम की जगह ये लिख देंगे। प्रश्न 20 है हमारा, जगन्नाथ शब्दस्य संधि विच्छेद कुरुत, ये लिखा है इसका आंसर जगत धन नाथ। हसित्वा शब्दे कह प्रत्यय, तो इसमें होता है कत्वा प्रत्यय बच्चों। राधिका एव पठति अस्मिन वाक्य अव्ययम किम, इसमें क्या अव्ययम है? तो इसमें अव्ययम है एव, क्या अव्ययम है? एव। इसके साथ ही 21वां क्वेश्चन था, अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्देषु लिखत, संस्कृत में लिखना है आपको 22 यानी 22 को क्या कहते हैं? द्वि सॉरी द्वा विशंति। 34 को क्या कहते हैं? चतुर स्त्रिशंत। और 46 को क्या कहते हैं? षट चत्वारिशंत। ये आपके तीनों के शब्द लिखे हुए भी हैं यहाँ पर, मैंने बोल के बता दिया आपको।
भाई से क्वेश्चन है, बच्चों को एक श्लोक लिखना था जो कि याद किया हुआ, तो ये तो आप लिख ही लोगे। प्रश्न क्रमांक 23 में बच्चों ये था आपका पत्र, और पत्र में रहते हैं खालिस्तान। ये पांच ऑप्शन में से आपको खालिस्तान भरना था। तो पहला ऑप्शन आपका अत्र है, दूसरा कथम है, तीसरे में आपको आता वार्षिक मूल्यांकनम, चौथे में अध्ययनम, और पाँचवें में रमेश। यहाँ पर क्या आता? रमेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, आपको इनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, तो लिख लेंगे आप। ठीक है, निबंध तो आपको खुद से लिखना रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर एक पद्यांश लिखा हुआ है, दो श्लोक लिखे हैं, अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत, इनके उत्तर संस्कृत में लिखना है इसको पढ़ के। उद्योगो नास्ति दरिद्रा जप्तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम्। तो पहला प्रश्न है इसका, उद्योगो किम नास्ति, तो दारिद्र्यम, आंसर क्या आएगा ये दारिद्र्यम। जप्तो किम नास्ति, जप्तो किम नास्ति तो पातकम, तो आंसर होगा इसका पातकम। भयम कदा नास्ति जागृते, मौने किम नास्ति कलहो, जो मौन रहता है वो लड़ाई से बच जाता है कलह से। नास्ति इससे मिन पदे किम वचनम, नास्ति में कौन सा पद है, तो एक वचन है, कैसा है एक वचन। आखिरी प्रश्न बच्चों 26वां, यहाँ पर एक गद्यांश है जो कि लिखा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इत्यस्मिन् कार्ये संलग्नस्य स्वामी विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम नरेंद्रनाथः अस्ति आसीत् सॉरी, तस्य जन्म जनवरी मासस्य द्वादशे दिनांक 1863 ख्रीस्ताब्दे 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ था, कोलकाता नगरे अभवत, और तस्य मातुः नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्, उनकी माता का नाम था ये। तस्य पिता नाम ये लिखा है विश्वनाथ दत्तः, लब्ध प्रतिष्ठ अभिभाषका अस्ति, एक वकील थे वो, काफ़ी लब्ध प्रतिष्ठ मतलब काफ़ी माने जाने माने थे। विवेकानंद से बालकाल से नाम किम, उनका बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ ये लिखा है, बालक से नाम नरेंद्र नाथ। विवेकानंद से जन्म कुत्र अभवत, कहाँ पर हुआ था, तो कोलकाता नगरे ये लिखा है, तो कोलकाता नगरे। भुवनेश्वरी देवी कश्य मातो नाम आसित, किसकी माता का नाम था, तो विवेकानंद से उनकी विवेकानंद जी की माता का नाम था। तस्य पिता लब्र प्रतिष्ठ कहा आसित, क्या थे वो, फेमस अभिभाषक, यहाँ पर ये इत्यस्मिन् इति पदस्य संधि विच्छेद कुरत, इत्यस्मिन् का जो शब्द है का संधि विच्छेद करना है, तो इति प्लस अस्मिन्। ठीक है बच्चों, तो ये था फुल सॉल्यूशन। ठीक है, जिस जिसका सही रहा वो उनके लिए भी अच्छी बात है, जिनका नहीं रहा वो आगे तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।